हाय फ्रेंड्स, योर फ्रेंड मुकेश। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे एनओसी की, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की। दोस्तों, बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती है, कौन कौन से ऐसे केस होते हैं जब आपको एनओसी की आवश्यकता होती है, और साथ ही समझेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं एनओसी प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती है, कौन कौन से ऐसे केस हो सकते हैं जब आपको एनओसी लेना कंपलसरी होता है। दोस्तों, यहां मैं बात करूंगा मोटर व्हीकल एक्ट की। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार दोस्तों, दो ऐसी परिस्थितियां हो सकती है जब आपको एनओसी लेना कंपलसरी होता है। उसमें पहली है असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क, और दूसरा है दोस्तों ओनरशिप ट्रांसफर के केस में। कई लोगों को शायद ये टर्म समझ में नहीं आ रही होगी, तो दोस्तों इसको थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। पहले बात करते हैं असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क की। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी कारण से किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाते हैं। कारण कुछ भी हो, आपकी अपनी नौकरी में स्थान परिवर्तन हो, आपका बिजनेस की वजह से हो, या पढ़ाई की वजह से हो, या किसी अन्य उद्देश्य से आप किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट कर जाते हैं, और साथ ही अपने वाहन को भी वहाँ ले जाते हैं। तो दोस्तों, मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि एक साल तक तो आप अपने वाहन को किसी दूसरे राज्य में रख सकते हैं, चला सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक साल से अधिक, यानी 12 महीने से अधिक, अगर आपको अपने वाहन को किसी दूसरे राज्य में रखना है या चलाना है, तो दोस्तों आपको उस राज्य में उसको पुनः री रजिस्ट्रेशन कराना होता है, पुनः पंजीकृत कराना होता है। यानी कि एक नई पंजीयन संख्या, एक न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर उस राज्य से आपको लेना होता है, और इसी को बोलते हैं दोस्तों ऐसा ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क। और दूसरा केस होता है दोस्तों ओनरशिप ट्रांसफर। ओनरशिप ट्रांसफर नाम से ही स्पष्ट है। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, आप अपने वाहन को किसी ऐसे व्यक्ति को बेच देते हैं जो किसी दूसरे राज्य का निवासी है, या ऐसे समझ लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आपके वाहन को खरीद लेता है जो किसी दूसरे राज्य में रहता है। यानी जहां अभी तक आपका वाहन पंजीकृत है, उस राज्य के बाहर का कोई भी व्यक्ति अगर आपके वाहन को खरीदता है, तो दोस्तों उसको उस केस में भी आपको एनओसी की आवश्यकता होती है। तो दो केस में आपको ये एनओसी की आवश्यकता होती है। एक अगर आप ही मालिक हैं लेकिन किसी दूसरे राज्य में आप अपने साथ ले गए हैं और वहां आपको पंजीकरण कराना है, या आपने वो वाहन किसी दूसरे राज्य के निवासी को बेच दिया है, तो इन दो केस में एनओसी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यहां मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस की मैं यहां बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के केस में भी एनओसी की आवश्यकता होती है। लेकिन यहां मैं बात कर रहा हूं केवल वाहन की, आपकी गाड़ी की। गाड़ी कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो आपकी बाइक हो, कार हो, वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हो या नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, कोई ऐसा भी व्हीकल हो, दोनों केसों में, इन दोनों परिस्थितियों में एनओसी की आवश्यकता होती है। अब जल्दी से दोस्तों बात कर लेते हैं कि एनओसी को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने होते हैं। दोस्तों, एनओसी को प्राप्त करने के लिए जो आवेदन करना होता है, वो आवेदन करना होता है फॉर्म 28 में, यानी आपको अप्लाई करना है फॉर्म 28 में, और ये 3 या 4 प्रतियों में आपको ये अप्लाई करना होता है फॉर्म 28 में। इस दोस्तों फॉर्म 28 का लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, नीचे आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट निकाल कर उसको फिल कर सकते हैं। और फॉर्म 28 के साथ आपको दोस्तों जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं, उसमें दूसरे नंबर पे है आपके वाहन की आरसी, आरसी की आप प्रमाणित कॉपी यहाँ पे लगाएंगे, अटेस्टेड कॉपी लगाएंगे, साथ ही वाहन का बीमा प्रमाण पत्र यानी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, उसकी भी एक प्रमाणित प्रति आपको लगानी है। और तीसरा है दोस्तों आपके वाहन का PUCC, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स, आरसी, बीमा और पोल्यूशन, ये आपको फॉर्म 28 के साथ संलग्न करने होते हैं। इसके अतिरिक्त अगर वो आप कॉमर्शियल व्हीकल है, तो दोस्तों आपको एक टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और साथ ही फी, कोई भी अगर किसी उस राज्य का कोई फीस वगैरह है, तो उसका फीस पेमेंट रिपोर्ट भी आपको संलग्न करनी होती है। तो ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स आपको एनओसी के लिए लगाने होते हैं। कुछ कुछ राज्यों में दोस्तों आपसे NCRB की रिपोर्ट भी मांग ली जाती है। NCRB मींस नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वहाँ से एक रिपोर्ट देनी होती है, और उसमें ये क्लियर कर दिया जाता है कि आपके इस व्हीकल के अगेंस्ट कोई किसी प्रकार का केस लंबित नहीं है, पेंडिंग नहीं है, या आपका व्हीकल किसी चोरी की घटना में या किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये NCRB की रिपोर्ट भी कुछ राज्यों में आपसे मांगी जा सकती है, या कई बार वो जो अथॉरिटी है, जो NOC देने वाली जो अथॉरिटी है, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है, वो कई बार अपने स्तर पे भी NCRB की रिपोर्ट को मैनेज कर लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब
ये समझ लेते हैं कि एनओसी आपको कितने दिन में मिल जाएगी। दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट ये कहता है कि आप अप्लाई करने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये एनओसी मिल जानी चाहिए। वो जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी है जहां आपने अप्लाई किया है वो आपके एप्लीकेशन की और जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं उन सब की जांच करेगा, और अपने स्तर से अगर कोई जांच उचित समझता है तो वो जांच कराकर 30 दिन के अंदर अंदर आपको एनओसी जारी कर देगा, या अगर वो जारी नहीं करता है तो वो इनकार करेगा और साथ ही इनकार करने का लिखित कारण भी आपको बताएगा कि वो क्यों एनओसी जारी नहीं कर पा रहा है। तो ये दो केस होते हैं, या तो वो 30 दिन के अंदर एनओसी जारी कर देगा या जारी करने से इनकार कर देगा। दोस्तों अगर ये 30 दिन तक ऐसा कुछ भी नहीं करता है तो फिर ये मान लिया जाएगा कि वो एनओसी आपको जारी हो गई है, ये समझ लिया जाएगा, मान लिया जाएगा कि एनओसी जारी कर दी गई है। तो ये एनओसी की प्रक्रिया होती है दोस्तों। इसके अतिरिक्त भी एनओसी को लेकर अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट जरूर करें। और अगर आपको दोस्तों जानना है कि ओनरशिप ट्रांसफ़र कैसे की जाती है या असाइनमेंट ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन मार्क की क्या प्रक्रिया है, तो उन दोनों विषयों में दोस्तों पहले से ही ऑलरेडी मेरे इस चैनल पर वीडियो मौजूद है। आप नीचे जाकर उनके लिंक देख सकते हैं, वहाँ आपको उनके लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार।